जो हाँ दोस्तों, झारखंडी व्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हाँ तो दोस्तों, आज का यह वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे कार्यक्रम रखा गया था जेएसपीएस की ओर से, तो दीदियों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसी कार्यक्रम का वीडियो है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। अन्य दीदी तथा आप सभी को मेरा जोहार। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। लेकिन दीदी, सोचने वाली बात है कि यही दिन 8 मार्च को ही क्यों चुना गया? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। कारण ये था कि रूस में एक जगह 1500 महिलाएं एक फैक्ट्री में काम करती थी, जिसके कारण काम करने के बाद उनको क्या होता था कि उनको सही से उस हिसाब का पैसा उनको नहीं दिया जाता था जैसा कि वो उनसे वो काम लिया जाता था। अब वो दीदियों ने सोचा, आप लोग की जैसी समूह एक 1500 दीदी थी, उन्होंने सोचा कि नहीं, अब इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए, और वो लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। जैसे ही हड़ताल पे चले गए तो फिर मैनेजमेंट को उसका बात मानना पड़ा और उन लोगों को 8 घंटा काम करवा के फिर उनको उचित मुआवजा उनको मिलने लगा। लेकिन यह दिवस पहले सिर्फ रसिया यानी रूस में मनाया जाता था, सेम घटना कुछ दिन के बाद अमेरिका में हुआ, उसके बाद से ही ये 8 मार्च को महिलाओं के लिए रखा गया कि नहीं, 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे, जिसमें कि महिलाओं को हम लोग सम्मान देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि एक दिन सम्मान देने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। एक दिन के सम्मान से या फिर दिखावे के सम्मान से कुछ होना जाना नहीं है। एक महापुरुष ने कहा था कि महिलाओं के भागीदारी के बिना दुनिया का जो विकास है वो कभी संभव नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की यदि चिड़िया का पंख काट दिया जाए या फिर चिड़िया का पंख ना रहे तो वो चिड़िया नहीं उड़ सकती है, ठीक उसी प्रकार यदि महिलाओं के बगैर हम सोचें कि विश्व तरक्की कर जाए तो वो संभव नहीं है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। अतः आप लोगों की भागीदारी गाँव के विकास में, समाज के विकास में, राज्य के विकास में, देश के विकास में एक अहम भूमिका अदा करती है। और मैं चाहूँगा कि जिस जोश और होश के साथ आप लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस तरह से आप लोगों ने अभी आगे बढ़ के काम करना स्टार्ट किया है, आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे पहले घर से नहीं निकलते थे, अभी निकल के अपने क्लस्टर तक आ गए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग बहुत दूर तक जाएंगे। अभी पंचायत का चुनाव भी आने वाला है, तो मैं जिला परिषद सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि सर, पंचायत चुनाव में कम से कम इस बार हमारे दीदियों को मौका मिले ताकि वो भी निखर के सामने आ सके, और अपना जो अंतर में इनका जो शक्ति है वो उनको प्रदर्शित कर सके और अपना आगे बढ़ के और समाज के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए एक ऐसा पिलर खड़ा हो जाए, ऐसा प्रेरणा स्रोत बन जाए कि उसको देख के और दीदी लोग आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे जग पर भारी हूँ, ना अवला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग के नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ, कम करके मुझको मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थ की गाड़ी चलाती हूँ, माँ शारदा की बीना हूँ मैं, माँ काली की कटोरी हूँ मैं, कम करके मुझको माता को, मैं आज की युग की नारी हूँ। मन से कोमल मैं अवला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ, तुम जैसे मुझको देखोगे लक्ष्मी काली और दुर्गा हूँ,
संस्कार भी सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ, कम करके मुझको माता को, मैं आज की युग की नारी हूँ। धन्यवाद। फोटो ठीक से आना चाहिए। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तो दुकान के लिए जगह मतलब तैयार की, इसके बाद फिर 5000 लेकर, 5000 रुपये ऋण लेकर, छोटा मोटा मतलब सामान सब रख करके दुकान को चलाई। इसके बाद फिर हमारा सेकेंड लोन पास हुआ, तो मैं 50000 रुपया ऋण लेकर के दुकान में और दुकान के सामान को बढ़ाकर पूंजी लगाकर दुकान को, मेरा अभी दुकान अभी ठीक ठाक चल रहा है। और मैं सिरपुर क्लस्टर की अभी लेखापाल के पद पर काम कर रही हूँ, और साथ ही साथ टाइम निकालकर मैं शाम को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे का कुछ मेरा मतलब अच्छा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को बार बार मिल सके। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय भारत, जय हिंद, जोहार झारखंड।